इंडिया आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक आपकी आवाज। लखीमपुर के थाना पसगवां के गांव रामपुर में 5 मई की शाम दीवार बनाने को लेकर ईसाई समुदाय के दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इस हद तक हुआ कि पहले जमकर दोनों तरफ से पथराव हुआ, उसके बाद कई राउंड फायर भी हुए जिसमें एक पक्ष के 5 लोग घायल हुए, जिसमें एक नाबालिग का हाथ टूट गया, एक का सर फूटा और कई महिलाएं भी घायल हुई हैं। फिलहाल वहीं पुलिस NCR दर्ज कर जांच कर रही है। देखा जाए योगी राज में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं गांव में दहशतपूर्ण माहौल बना हुआ है। लखीमपुर खीनी थाना पसगवां से धर्मेंद्र मिश्र की रिपोर्ट। पहले तो हमने दरोगा जी को फोन करके बुलाया, उन्होंने फोन भेजी, उनको सब हमने दिखवाया अपने घर का हाल अहवाल, हम लोग भी चुटाए थे सर। और उसके बाद में हम लोग थाना गए अपने हस्बैंड को लेके, उसके बाद कोतवाल जो सर थे वो बोलने लगे कि ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं और उसकी मीरा की बहुत फूटी है सर, मीरा की कहीं से भी नहीं फूटी है, हम लोग का परिवार चुटाएल है, उनके तरफ से कोई भी चुटाएल नहीं है सर। और हमको धमकी देते हैं और खुन्नू ने हमारे घर में 4 फायरे करी है। पुलिस ने कार्रवाई की नहीं की जी? नहीं, अभी तो कोई कार्रवाई। आपकी एप्लीकेशन ली नहीं ली? एप्लीकेशन तो ले लिएगी सर। ठीक जी, मैं क्या रहते हैं, और जब रात में देखा कि लड़ाई झगड़ा हमारे बहू बेटों के ये लोग मार पीट कर रहा है, मैं वहाँ से दौड़ के आई हूँ। और जब फिर मुझे भी ईंटे पत्थरे, सारा ईंटा पत्थर हमारे घरों में आप देख लीजिए, सब ईंटा पत्थर सब चलाया हमारे घर में, और ईंटा पत्थर चला के और फिर मुझे भी मारा है, मुझे भी चोटे सब पीठ उठ पे सब पे लगी है। आप ये बता सकती है किस कारण विवाद हुआ? ये इन लोगों ने शराब पी के गाली गलौज दी और लड़ाई झगड़ा करा और मारा। जैसा कि इनकी माता जी का कहना है, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये अध्य पत्थर पड़े हुए हैं, और इसके घर के छत पे हमारी छत क्या दुर्व्यवहार किया गया है, आइए हम अपने कैमरामैन से दिखाते हैं कि कहिए, देखिए सारे ये इनके घर में कितने पत्थर पड़े हुए हैं, और ये देखिए ये निशान भी पाए गए हैं, ये देखिए ये निशान है इनके घर में, और इस तरह के ये चोटें भी पाई हुई हैं। ये दरवाजे दीवार पे देखिए ये छेद है, कैमरामैन जी दिखाइए आप जरा इसको, इधर दिखाइए ये छेद, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, और ओके देखिए, मैं इस समय लखीमपुर के उचौलिया में एक गांव पड़ता है रामपुरगढ़, वहां पर परसों विवाद हुआ था, और इस विवाद में कुछ लोग चुटैल हुए। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या क्या वारदात में कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए जिस कारण इनको चोटें आई हैं। ठीक है, और ये चुटैल परिवार है, इनसे जानते हैं कि क्या हुआ। आइए आपका क्या नाम है? सरजू है मेरा। सरजू, सरजू जी बताइए आपके साथ ये क्या घटना हुई? सर मुझे धारदार तलवार से मुझे मारा गया है जी, और यहाँ गिरे इससे मारा गया, एकदम से मैं गिर गया जी। मेरे घर में कलेश था, मैं धान मतलब खेत पे गया हुआ था मैं जी। जब मैं घर आके देखा तो मेरी बीवी को जी, मतलब मेरा भतीजा मुझे बुलाने गया जी, तो वहाँ से जब वो लौट के आए हम तो आधी रास्ते में हमें मारा है। यहाँ बाकी बात मेरी बीवी बताएंगी। आप बता सकती हैं ये किस प्रकार से ये घटना घटी है, ये घटना क्यों घटी है और किस कारण ये विवाद हुआ? सर मैं रोज गाली बकता था बिट्टू, दारू पी के नशे में रोज टॉर्चर करता था, मैं सर कुछ बोलती नहीं थी, मैंने कहा हटा आपस का मामला है तो नहीं बोलते होंगे सर। एक दिन ही मेरे घर में 5 तारीख को घुस आया, और मुझसे मैं अकेली थी अपने घर में, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड गए हुए थे खेत पे भूसे की नराई के लिए।